जंगल की दुनिया में सबसे निडर और खतरनाक जानवर शेर को ही माना जाता है, क्योंकि ये सभी जानवरों पर भारी पड़ते हैं और इसी रेस में चीता भी है। लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा जीत जाए। इनसे खतरनाक और भी जानवर हैं जो जल और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं, जिसका नाम है रिवर ऑटर यानी उटबिलाव। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी लगभग 13 प्रजातियां हैं। उटबिलाव एक स्तनधारी प्राणी है जो कि ज्यादातर समुद्र, तालाब, झीलों, साफ पानी तथा नदियों के आसपास रहते हैं। इनके शरीर पर घने बाल होते हैं जिससे उनका शरीर गर्म रहता है। इन बालों की दो परतें होती हैं जिसकी वजह से पानी इनके त्वचा तक नहीं पहुंच पाती और ये अपने इसी बालों को पत्थर से रगड़कर संवारते हैं। जरा इस क्लिप में देखिए, एक नदी के किनारे जंगल में एक लेपर्ड शायद भोजन की तलाश कर रहा है और उसी जंगल में नदी के किनारे बहुत सारे उटबिलाव भी रहते हैं। बस आगे इस वीडियो में देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इन दोनों में होता क्या है। ये तेंदुआ शिकार की तलाश में यहाँ तक आता है जहाँ नदी के किनारे चार उटबिलाव बैठे होते हैं। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता यह तेंदुआ पहुँच जाता है और एक उटबिलाव पे हमला भी कर देता है। फिर दोनों में थोड़ी देर तक मगजमारी चलती है और आखिरी में उटबिलाव उसके चंगुल से छूट ही जाता है, लेकिन यह तेंदुआ वापस दूसरी बार हमला करता है। तब तक ये सभी पानी में भाग जाते हैं और सभी शोर मचाने लगते हैं। इन उटबिलाव की टोली में भगदड़ सी मच जाती है तो वही तेंदुआ दूसरी तरफ से शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन इस जानवर का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता। और ये देखिए, तेंदुआ घात लगाए शांति से इस छोटे से जानवर को टारगेट कर रहा है और थोड़ी ही देर के बाद इस जानवर को झपट कर पकड़ लेता है और ऊपर लेकर भाग जाता है और इसे अपना शिकार भी बना लेते हैं। लेकिन एक वाइल्ड डॉग भोजन की तलाश में है और इसी एरिया में एक हिरन नदी को क्रॉस कर रही होती है। ये जंगली कुत्ता इसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके नज़दीक आने लगता है। जैसे ही कुत्ता नज़दीक आता है, हिरन उस पर हमला करती है। इस कुत्ते की आवाज़ सुनकर वहाँ आसपास के और भी कुत्ते आ जाते हैं और उस हिरन के ऊपर टूट पड़ते हैं। बेचारी अकेली हिरन अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन इन जंगली कुत्तों के ग्रुप में हिरन की मेहनत बेकार जाती है और ये सभी कुत्ते की फौज इस हिरन पर हमला करते करते उस नदी से घसीट कर ऊपर लेकर चले जाते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, ये क्लिप में देखिए, नदी के किनारे एक लेपर्ड शांति से पानी पी रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे एक मगरमच्छ शिकार की तलाश में बैठा है। इधर यह लेपर्ड बहुत ही चौकन्ना होकर पानी पीता है जो कि इस मगरमच्छ की नज़र में आ गया। यह मगरमच्छ इसे देख लेता है और इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए पानी में उतर जाती है और पानी के अंदर ही अंदर लेपर्ड तक पहुँच जाती है। फिर क्या था, मगरमच्छ इस पानी पीते हुए लेपर्ड को एक ही झटके में दबोच लेता है। जरा इस क्लिप में एक बार फिर से देखिए, ये मगरमच्छ बड़े ही शातिर तरीके से इस लेपर्ड को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है, फिर उसे खींचकर पानी के अंदर ले चला जाता है। फिर पानी में दोनों की काफ़ी देर तक फाइटिंग होती है। यह लेपर्ड अपने आप को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है और छूटकर ऊपर भाग भी जाता है, लेकिन मगरमच्छ ने इसे कम समय में इतना ज़्यादा दर्द दे दिया कि यह लेपर्ड लांगड़ हो गया और भटक भटक कर चलने लगा। दर्द की वजह से यह लेपर्ड कुछ दूरी तक जाने के बाद जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लेपर्ड और क्रोकोडाइल की कहानी। ऐसे ही एक और मजेदार क्लिप देखिए, यहाँ भी एक तेंदुआ जंगल में भोजन की तलाश कर रहा है और दूसरी तरफ से एक प्रोक्यूपाइन जानवर मस्त चाल में रास्ता क्रॉस कर रही है। यह तेंदुआ इसे देख लेता है और इस पर हमला करने लगता है, लेकिन इस कांटेदार शरीर वाले जानवर का मुकाबला शेर और बाघ जैसे जानवर भी नहीं कर पाते और यह तेंदुआ शाम सा जाता है और धीरे धीरे सोच समझकर उस प्रोक्यूपाइन को पकड़ना चाह रहा है, लेकिन इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता और आखिर यह तेंदुआ उस पर अटैक कर ही डालता है। लेकिन वहीं थोड़ी देर के बाद देखिए, इस तेंदुए की क्या दुर्दशा हो गई, प्रोक्यूपाइन के सारे कांटे उनके मुंह से चिपक गए। जितना टाइम इन्हें हमला करने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम इसे अपने मुंह से कांटा निकालने में लग रहा है और यह तेंदुआ जैसे तैसे कांटा निकालकर वहां से निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद दर्द की वजह से उस तेंदुए की मौत हो जाती है। वैसे ही इस शेरनी के साथ होने वाला है। यहाँ एक जंगल में एक प्रोक्यूपाइन है और 4 से 5 शेरनियों का ग्रुप इन्हें परेशान कर रही है, लेकिन यह छोटा जानवर ग्रुप से निकलकर दूसरी तरफ भागने लगता है। उसे भागता देख एक शेरनिया पीछा करने लगती है
और उस पर हमला भी करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद समझ जाती है कि इससे खतरा मोल लेना मौत को बुलाना है, और वहाँ से सभी शेरनियाँ उसे छोड़कर भाग जाती है। जरा इस फुटेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ एक जंगल में कुछ भालू और उनके बच्चे हैं, और इसी जंगल में बिग कैट यानी शेर और उनके बच्चे भी रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते, सेम यही कहानी यहाँ पे चल रही है। बस आगे देखते जाइए कि आगे होता क्या है। ये भालू के बच्चे अपनी मस्ती में खेल रही है, और इधर एक शेर ने इस बच्चे पर घात लगाए हुए बैठा है। जैसे ही इस बच्चे को भनक लगती है कि मौत मेरे तरफ आ रही है, यह भालू का बच्चा वहाँ से भाग निकलता है। यह सब सीन मादा भालू देख लेती है। इधर यह शेरनी अपने शिकार को भागते देख वह भी उसके पीछे भागने लगती है। ये भालू के बच्चे नीचे जमीन पर तेज रफ्तार में भागती जाती है, और उधर शेरनी शॉर्टकट में छलांग मार मार कर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भागते हुए उस बच्चे के नज़दीक पहुंच जाता है। और ये देखिए, ये भालू का बच्चा कहाँ आकर रुक गया। अब आगे यह भाग भी नहीं सकता क्योंकि आगे खाई है। इधर से शेरनी छुप कर देख लेती है और उस पेड़ पर चढ़ जाती है जिस पेड़ पर यह बच्चा बैठा हुआ होता है। तो वहीं तीसरी तरफ ये मादा भालू अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। अब यहाँ का सीन जरा गौर से देखिए। यह भालू के बच्चे डर के मारे अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसी खाई में गिर जाती है। लेकिन क्या इस बच्चे की मौत यहीं पर हो जाएगी? जी नहीं, यह भालू का बच्चा पानी में तैरते हुए दूसरी तरफ से भाग निकलता है। उस बच्चे को भागते देखकर यह शेरनी वहां से हटकर दूसरे रास्ते से जाना चाह रही थी, लेकिन तभी मादा भालू अपने बच्चे की तलाश में उस शेरनी के रास्ते पे पहुंच गई। फिर दोनों जानवर में फाइटिंग शुरू हो जाती है। उधर ये बच्चे पानी में ही भागे जा रहे थे। अपने बच्चे को बचाने के लिए यह भालू उस खूंखार जानवर से भी भिड़ जाती है, और दोनों में काफी देर तक मगजमारी चलने लगती है। इसीलिए तो कहा जाता है माँ माँ होती है, चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर। और आखिरकार भालू का बच्चा अपने ग्रुप में पहुंच ही जाता है। अब ऐसे ही एक और क्लिप देख लेते हैं। दोस्तों, इतने मोटे तगड़े और पहलवान दौड़ते हुए जानवर को आपने शायद ही कहीं देखा। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में देख लीजिए। इसे कहा जाता है हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा। हालांकि यह दिखने में भैंस की तरह लगता है, लेकिन इनका व्यवहार भैंस की तरह नहीं होता। इनका मुँह लगभग 1 से 1.5 फीट तक खुलती है, जिसमें किसी भी जानवर को आराम से दबोच सकता है। दोस्तों, अफ्रीका की नदियों में कहीं कहीं पे मगरमच्छ और दरियाई घोड़े भी मिलते हैं, जो कि एक ही नदी में रहते हैं, और ये जल और जमीन दोनों जगह पर आराम से रह लेता है। कहीं कहीं पर तो इस जानवर की संख्या सैकड़ों में होती है, और ये भी कम खतरनाक नहीं होते। इनके गिरफ्त में भूल से भी कोई जानवर आ जाए तो ये उसे मौत के घाट उतार देते हैं, जैसा कि इस फुटेज में देखिए। यहाँ हिप्पोपोटामस एक हिरण को अपने मुँह में पकड़कर इतना झकझोरती है कि बेचारे उस हिरण की तो मौत हो जाती है, जिसे वहाँ आसपास के कुछ जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं। लेकिन यह घोड़ा यही नहीं रुकता और एक बार फिर से इस कुत्ते के झुंड पे ही हमला कर डालता है। लेकिन कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, वहाँ से वह भाग निकलते हैं और पकड़ा जाती है यह हिरण, फिर इसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।